उदाहरण नंबर आपके 11 दे रखा है, हमें जांच करना है कि जो नंबर हमारे पास दे रखा है वो संख्या अपरिमेय है या फिर नहीं है। हमें क्या करना है, देखो ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या होती क्या है, अपरिमेय संख्या है वो होती है, जैसे एक तो होता है पाई, एक होता है जिसका वर्गमूल हम निकालने की ट्राई करते हैं और वो उत्तर आपके पॉइंट में आ जाता है, पहली भी पॉइंट आ जाए, मतलब सीधा उत्तर नहीं आता है, वर्गमूल निकलता नहीं, फिक्स वर्गमूल नहीं आता है। मतलब यहाँ पर जो m का जो मान है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं, m जो है ना वो आपके पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 1, 4, 16, 25, 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसी संख्या नहीं है तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोल। अब देखो अगर कोई भी संख्या एक परिमेय है और एक आपकी अपरिमेय है, उनके बीच में अगर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, गुणा आ रहा है या भाग आ रहा है, उसको हल करना है। हल करते ही जो संख्या उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा अपरिमेय कहते हैं। कोई भी दो संख्याएं एक परिमेय हो और एक अपरिमेय है, उनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग अगर हो तो वह संख्या हमेशा आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, 7√5। अब देखो 7 तो क्या है आपके परिमेय और वर्गमूल 5 क्या है आपके अपरिमेय। अब नियम है अगर आप परिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं, परिमेय को अपरिमेय से क्या करते हैं आप, गुणा करते हैं, गुणा करो, जोड़ करो, भाग करो, कुछ भी करो, ये नियम ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि वो संख्या क्या कहलाएगी आपके, अपरिमेय कहलाएगी। ये देखो ये आपस में गुणा हो रहा है, क्या ये अपरिमेय संख्या है। सेकंड है आपके 7√5, ये संख्या देखो ध्यान रखना भाई, इसको तो बोलेंगे हम परिमेय और इसको बोलेंगे हम अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जब भी आपस में भाग होता है तो वो संख्या आपके अपरिमेय कहलाती है। इसका मतलब ये जो संख्या दे रखी है वो आपके अपरिमेय संख्या है। और अगर करना है तो ये वाला थर्ड में आपके लिखा हुआ है वर्गमूल 2+21, ये जो संख्या है आपकी ये क्या है आपके अपरिमेय है, ये तो है भाई आपकी अपरिमेय संख्या और ये है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे यहां पर दे रखा है पाई माइनस 2, पाई जो है वो है आपके अपरिमेय और यहां पर ये जो संख्या है वो है आपके परिमेय। परिमेय अपरिमेय के बीच में चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, चाहे भाग हो, जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी आपके अपरिमेय संख्या होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कटती है संख्या तो काट देनी है, नहीं कट रही है उसमें आपके अपरिमेय संख्या है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। उदाहरण नंबर 12 देर का है, इसमें लगातार 4 उदाहरण है, जोड़ का, बाकी का, गुणा, भाग, जो भी है आपके आए तो वो आपके इंपॉर्टेंट है कि जो संख्या अपरिमेय है इनको कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो हमारे पास इस संख्या के साथ ये संख्या हमें जोड़नी है तो इसमें जोड़ भी है और बाकी भी है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। अब कैसे है देखो अभी बताते हैं आपको। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो नंबर है 2√2 इसके अंदर जोड़ा हुआ है 5√3, इसके अंदर हमें ये संख्या जोड़नी है 2√3 √3, हमें इन दोनों को जोड़ना है।
मतलब बीच में प्लस का साइन आपको लगाना है, जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब आपको आना चाहिए, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे ये है आपका 2√2, ये है प्लस, ये है 5√3। पहला काम है ब्रैकेट्स को हल करना। अब यहां पर प्लस है तो कोष्ठक हट जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और ये आपका माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। अब ये ऐसा मान लो कि √2 की जगह x लिखा हुआ और √3 की जगह y लिखा हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन मान लो, मतलब इसको आप इस टाइप से मान लो, ये लिखा हुआ है समझ लो कितना है x 2x प्लस 5y प्लस x प्लस 3y, ये ऐसा लिखा हुआ मान लो, मतलब √2 के साथ √2 जुड़ेगा और √3 के साथ √3, मतलब x के साथ x जुड़ेगा, y के साथ y। इस चीज को ऐसे मान के चलना है, माना कि ये y है और माना कि x है, ऐसे मानकर चलेंगे, √2 में √2 ऐड होगा, √3 में √3 जुड़ेगा। तो इस चीज का भी आपको खास तौर से ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास ये नंबर है वर्गमूल का 2, तो वर्गमूल 2 के पास वर्गमूल 2 लेके आओ, तो हम इसको हम यहां लेके आएंगे पास में, ध्यान देना ये यहीं पर ही है सभी संख्या, तो इनको आगे पीछे लिखने से साइन चेंज नहीं होता, चिन्ह नहीं बदलते, आगे पीछे कर रहा हूं कुछ नहीं कर रहा। अब इसको लिखूंगा मैं यहां पर 5√3 माइनस 3√3। देखो 2x प्लस 1x इजिकल टू 3x होता है। अब यहां पर भी ऐसा ही है, ये आपके 2 बार है और ये आपका 1 बार, ऐसा मानेंगे कि यहां पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, एक्स लिखो या 1x लिखो, तो ये आपके √2 2 बार है और यहां पर आपके √2 1 बार है, तो 2 बार यहां पर है, 1 बार यहां पर है, तो 2 बार और 1 बार हो गया आपके 3 बार √2 हो गया, 2 और 1 3 बार √2 हो गया, √2 कॉमन आ गया आपके, आप ऐसे देखो ध्यान दो, ऐसे 2 और 1 कितना होता है आपके 3x, सेम x मानकर ऐसे जोड़ना है आपको। अब ये है 5y और ये है 3y, 5 में से 3 गया तो ये आएगा आपके 2, y किसको माना हमने √3 को, √3 यहां पर 5 बार है पर √3 यहां पर आपके 3 बार है, तो इसका मतलब हो गया ये नंबर 3 बार है और ये नंबर 5 बार है, 5 में से 3 गया तो ये बच गया आपके 2 बार, और नंबर कौन सा बड़ा है, प्लस वाला नंबर बड़ा है। अब ये √3 है, ये √2 है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। उदाहरण नंबर 13 दे रखा है, हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, करो गुणा, 6√5 को हमें गुणा करना है 2√5 से। देखो होता क्या है, जब भी हम गुणा करते हैं, गुणे का नियम है कि संख्या को संख्या से गुणा करेंगे और अंडरवुड को अंडरवुड से गुणा करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहां पर देखो, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे और अंडरवुड को अंडरवुड से गुणा करेंगे, अंडरवुड को अंडरवुड से गुणा करेंगे, 6 का डबल 6 दूनी 12 और यहां पर 5 × 5 होता है आपके 25, 12 का 12 25 का वर्गमूल निकलता है तो निकाल दो, नहीं निकले तो यही उत्तर है, 5 × 2 = 14 लेकिन निकल रहा है, 25 का वर्गमूल होता है आपके 5, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये होता है आपके 12 × 5 = 60, 60 हो जाएगा इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 14, हमें इस संख्या के अंदर इस संख्या का भाग देना है, तो देखो सिंपल सा भाग है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा आपके, 8√15 इसके अंदर हम भाग देने वाले हैं 2√3 का, संख्या में संख्या का भाग देंगे और अंडरवुड में अंडरवुड का भाग देंगे, ध्यान देना बिल्कुल सिंपल है। देखो 8 के अंदर 2 का भाग दे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और 15 में देंगे 3 का भाग, कितनी बार जाएगा आपके 5 बार जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, 2 × 4
और फिर आपके इसका मतलब होता है 3 × 5 और यहां पर होता है आपके 2 × √3 2 से 2 कट जाएगा और वर्गमूल 3 से 3 कट जाएगा, पीछे बचा है आपके 4 वर्गमूल 5 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। उदाहरण नंबर 15 आपके ढेर का है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है आपको, बिल्कुल सिंपल। देखो यहां पर पहला ढेर का है, इन दोनों को आपस में क्या करना है आपको, गुणा करना है। हम क्या करेंगे, इस 5 को इससे गुणा करेंगे, 2 + √5 और इस वर्गमूल के 7 को भी गुणा करेंगे हम 2 + √5 से, करो गुणा। संख्या को संख्या से गुणा कर सकते हैं तो होता है 5 × 2 = 10। अब ये संख्या है और ये वर्गमूल है, दोनों को गुणा नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 5 √5। यहां पर भी संख्या और वर्गमूल है, दोनों को गुणा नहीं कर सकते, जैसा लिखा वैसा लिखो, संख्या आगे वर्गमूल पीछे, और ये दोनों वर्गमूल है तो ये आएगा आपके 7 × 5 करने पर आता है आपके 35। सभी में अलग अलग वर्गमूल है तो वर्गमूल 5 के साथ वर्गमूल 5 जुड़ेगा, 7 के साथ 7 जुड़ेगा, तो सभी संख्याएं अलग अलग है तो कोई किसी में नहीं जुड़ेगी। अब आते हैं यहां पर, यहां पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, वही नंबर आएगा, वही उत्तर आएगा, लेकिन इससे भी जल्दी करना है, फास्ट करना है, तो यहां पर एक सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई दो संख्या है, एक बार है प्लस में और एक बार है माइनस में, उसका मतलब होता है a² - b² होता है, मतलब इसका भी स्क्वायर, a का मतलब है 5, b का मतलब है वर्गमूल का 5, दोनों पर स्क्वायर लगाओ, इधर भी स्क्वायर लगाओ, इधर भी स्क्वायर लगाओ, बीच में कर देंगे माइनस, दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस, 5 का स्क्वायर होता है 25 और स्क्वायर गया, वर्गमूल गया, तो क्या बचा आपके 5, दोनों को घटाओ तो ये आता है आपके 20 आता है। अब जो हमने वहां पर किया था सेम चीज आपको यहां पर करनी है, ये नंबर भी ऐसा ही है, एक बार है आपके माइनस में और एक बार है आपके प्लस में, जिसका मतलब होता है a² - b² होता है। तो देखो ये आपका a है, ये आपका b है, उत्तर आएगा a² - b², मतलब वर्गमूल 11 का भी स्क्वायर और वर्गमूल 7 का भी स्क्वायर, स्क्वायर गया वर्गमूल गया 11 आएगा, स्क्वायर गया वर्गमूल गया तो 7 आएगा, जैसे ही घटाओ कितना आएगा आपके 4 आएगा। अब यहां पर इसमें देखो, इसमें भी सूत्र लगता है, a + b² का मतलब होता है a² + 2ab + b² ऐसा लगता है, लगता है तो लगाओ और हल करो। a का मतलब वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2 a² + 2ab, ये 7 है इधर, a² + 2ab + b² स्क्वायर गया तो वर्गमूल गया 2 का 2, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे ये होता है आपके वर्गमूल का 21, स्क्वायर गया तो वर्गमूल गया, कितना बचा आपके 7 बच गए। संख्या में संख्या को जोड़ सकते हैं तो 7 और 3 कितना हो गया भाई आपके 10 हो गया, लेकिन ये संख्या नहीं जुड़ेगी तो ये इसको हम अलग लिखेंगे आप 2 वर्गमूल 21, मतलब हमारा उत्तर आएगा 10 + 2 वर्गमूल 21, संख्या जुड़ेगी वर्गमूल नहीं जुड़ेगा और ये आ जाएगा हमारा उत्तर। उदाहरण नंबर 16 आपके देर का है, हमें करना है हर का परिमेय करो, हर का परिमेय मतलब क्या होता है देखो ध्यान देना भी। हमें अपरिमेय संख्याएं दी हुई है, कहां पर दी हुई है परिमेय संख्याएं, एक तो होती है पाई और एक जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे और वो संख्या आपके क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, n का मान 2, 3, 5
पांच छह सात आठ ऐसा हो जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, ऐसी संख्या अगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब यहां पर देखो हर एक चीज का ध्यान देना है, यहां लिखा हुआ है हर का परिमेय कर। हर मतलब होता है देखो दो संख्या होती है, एक तो होता है अंश और एक होता है आपके हर, मतलब ये संख्या आपके अपरिमेय दे रखी, ये देखो ये संख्या अपरिमेय। अब हमें क्या करना है, इस हर के अंदर जो अपरिमेय का जो चिन्ह है वो हटाना है, उसके परिमेयकरण करना है, उस वर्गमूल को हटाकर आपको परिमेय संख्या बनाना है। हमें करना है हर का परिमेयकरण। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या भाग में है वर्गमूल का दो को अंश और हर दोनों से गुणा करेंगे, को अंश व हर से गुणा करने पर, अंश और हर से हम क्या करेंगे यहां पर गुणा करेंगे। अब यहां लिखा हुआ है एक बटा वर्गमूल दो, इसको हम क्या करेंगे देखो अंश और हर से गुणा करेंगे, ये अंश है और ये हर है, गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर क्या होगा भाई, आपके यहां पर तो आएगा वर्गमूल का दो, और यहां पर देखो वर्गमूल दो कितनी बार हो गया आपके, दो बार हो गया, यहां तो आएगा वर्गमूल का दो और यहां पर देखो स्क्वायर गया वर्गमूल गया तो दो आएगा। आप चाहो तो दो दूनी चार भी लिख सकते हो, क्योंकि चार का वर्गमूल कितना होता है आपके, दो होता है। अभी यहां भाग में वर्गमूल दो था और अब यहां से वर्गमूल दो हट गया, इसका मतलब हम कर चुके हैं हर का परिमेयकरण, और ये हो गया आपके हर का परिमेयकरण हो गया। उदाहरण नंबर 17 दे रखा है हर का परिमेयकरण, हर कौन सा नंबर है, ये वाला, यहां पर वर्गमूल दे रखा है इसको हमें हटाना है, हमें हर का परिमेयकरण करना है, ये अपरिमेय संख्या दे रखी है इसको हमें परिमेय बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। तो जो नंबर यहां पर है देखो, पहले क्या था, पहले केवल एक संख्या थी, अब यहां पर आ गई है आपकी दो संख्या, उसके बीच आ रहा है प्लस का साइन, अगर प्लस का चिन्ह आ रहा है तो हम क्या करेंगे माइनस लेंगे। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, यहां पर वर्गमूल यहां पर था और हमने वर्गमूल को हटाया, ये जो नंबर है बिना वर्गमूल का आया, ये नंबर कब आएगा बिना वर्गमूल का, जब हमारा एक नंबर हो प्लस का एक नंबर हो माइनस का। तो अगर एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो दोनों पर स्क्वायर आ जाता है, जिससे क्या होता है वर्गमूल हट जाता है। तो अगर आपको यहां पर से वर्गमूल हटाना है तो ये नंबर दे रखा है प्लस का, हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे माइनस वाला, और हम क्या करेंगे यहां पर सिंपल सा लिखेंगे दो माइनस वर्गमूल तीन को अंश व हर से गुणा करने पर, को अंश व हर से गुणा करने पर, गुणा करेंगे भी। देखो भाई हमारे पास दे रखा है एक बटा दो प्लस वर्गमूल का तीन, अब हमें क्या करना है, अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है, करो गुणा, दो माइनस वर्गमूल का तीन एंड दो माइनस वर्गमूल का तीन। चिन्ह चेंज करने से क्या होगा कि एक प्लस का एक माइनस का बनेगा और वहां पर आपको सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र आपके लग जाएगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले, यहां लगाएंगे सूत्र हम, अगर कोई नंबर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही चीज हम यहां पर करने वाले, देखो वन का वन, वन को गुणा करना है इससे, तो क्या होगा दो माइनस वर्गमूल का तीन। अब ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो आपके आने वाला है दो माइनस वर्गमूल का तीन, नीचे क्या होगा दो का हो जाएगा चार, स्क्वायर गया वर्गमूल गया कितना है आपके तीन, तो ये आएगा आपके दो माइनस वर्गमूल तीन बटा, जैसे घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको एक मिलेगा। तो ये हो गया आपके हर का परिमेय, और जब भी भाग में एक होता है तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, मतलब आप सीधा ये लिखोगे तो भी चलेगा दो माइनस वर्गमूल का तीन।
मतलब ये हो गया आपके हर का परिमेय गण, नीचे कुछ नहीं है तो वन मानते हैं और वन एक परिमेय संख्या है, तो यहां पर जो अपरिमेय था वो हटकर क्या बन गया, अभी आपके परिमेय बन गया। उदाहरण 18 आपके दे रखा है, हमें करना है हर का परिमेयकरण, ये नंबर आपका अपरिमेय दे रखा है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, और हर के अंदर जो नंबर हमारे पास दे रखा है वो अपरिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय को परिमेयकरण करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा ध्यान रखना है, जो नंबर भाग के अंदर है वही नंबर आपको लेना है, और यहां पर अगर प्लस है तो यहां माइनस लेंगे, अगर यहां माइनस है तो यहां पर हम लेंगे प्लस। इस नंबर को हमें क्या करना है, हर में और अंश में दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, अंश और हर से गुणा करने वाले, अंश व हर से क्या करेंगे गुणा, तो करते हैं गुणा, देखो सिंपल सा है, ध्यान रखना भाई, ये है भाई हमारा क्वेश्चन, प्रश्न दे रखा है वर्गमूल का 3 माइनस वर्गमूल का 5, अब हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो हमें इस नंबर को, यहां पर तो माइनस है बट यहां पर हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 बटा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। देखो ये संख्या दोनों तरफ बराबर रखनी है ताकि काट भी दे वापस यही बन, काटना नहीं है, काटोगे तो मतलब क्या लिखने का। अब यहां पर नीचे ध्यान रखेंगे तो एक बार माइनस में हो गया, एक बार प्लस में हो गया, और नियम है कि अगर कोई भी दो नंबर एक बार अगर माइनस में हो और एक बार आपके प्लस में हो, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लिखो और हल करो, इसको उससे गुणा करेंगे तो ऐसे लिख दो, कोष्टक बनाकर लिख दो, वर्गमूल का 3 प्लस वर्गमूल का 5। अब एक बार आपके माइनस में है, एक बार आपके प्लस में है, तो उसका मतलब होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहां पर आप देखेंगे 5 का 5, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5, स्क्वायर हट गया तो वर्गमूल हट जाएगा, स्क्वायर गया वर्गमूल जाएगा 3 आएगा, स्क्वायर गया वर्गमूल गया 5 आएगा, कटाओ 5 का 5, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5, और जैसे यहां पे घटाएंगे 5 में से 3 गया तो ये आया भी आपके 2, नंबर बड़ा कौन सा है आपके माइनस का नंबर बड़ा है। अब ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 5 बटा 2, और ये हो गया आपके वर्गमूल का 3 प्लस वर्गमूल का 5। ये संख्या देखो हर का परिमेयकरण हो चुका, हर जो ना आपके परिमेय हो चुकी है, मतलब यहां से वर्गमूल का चिन्ह हट गया है, और ये आ जाएगा इसका उत्तर, ये लिखो एक ही बात है। उदाहरण नंबर 19 देर का है, हमें करना है हर का परिमेय, हर मतलब ये वाली संख्या, ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसके अंदर वर्गमूल दे रखा है, हमें करना है इसको बनाना है, परिमेयकरण करना है, अगर हमें इस संख्या का परिमेयकरण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर यहां लिखा हुआ है वही नंबर आपको यहां पर लेना है, अगर यहां पर प्लस है तो यहां माइनस लिखो और यहां माइनस है तो यहां पर प्लस लिखो, हमें इस संख्या को अंश और हर से गुणा करना है, अंश वह हर से क्या करना है, गुणा करना, करो गुणा अंश हर से, अब हमारे पास जो संख्या है वो ये है, अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या दे रखी ये वाली, इसको हम यहां लिखेंगे और अंश और हर से गुणा करेंगे, मतलब इसको हम यहां भी गुणा करेंगे और यहां भी गुणा करेंगे, करो गुणा, अब गुणा करने पर क्या होगा, देखो ध्यान देना भाई, ये एक बार प्लस में आया और एक बार माइनस में आया, तो हमें यहां पर लिखना है एक बार दोनों प्लस में हो और एक बार दोनों ही माइनस में हो, उसका मतलब होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहां पर भी हम यही चीज करने वाले हैं, ऊपर एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा हमारे पास दे रखा है वैसा ही रहेगा,
अब यहां पर क्या होगा कि ये है ए, ए मतलब हो गया 7 और बी मतलब हो गया है आपके 3√2। यहां पर नंबर डबल है तो यहां पर आपको होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। नंबर सिंगल हो तो स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब यहां पर तो आपके सेम रहने वाला है 7 − 3√2 और यहां पर क्या होगा 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का 2 ही रहेगा तो गुणा करेंगे तो होता है 9 × 18। अब यहां पर आपका होने वाला है 7 − 3√2। अब 49 में से 18 घटाएंगे तो ये आपके आने वाला है 31। ये आएगा आपके हर का परिमेयकरण। पहले यहां पर वर्गमूल था वो हट गया, अब वर्गमूल नहीं है इसका मतलब हो चुका है हर का परिमेयकरण। प्रश्नावली 1.4, पहले ये 1.5 था अभी 1.4 हो गया। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी क्या है अभी आपके अपरिमेय। तो एक चीज को आपको खास तौर से ध्यान रखना है, अगर एक संख्या परिमेय है आप लिख भी सकते हो, एक संख्या परिमेय है और एक संख्या आपकी अपरिमेय है और उसके बीच में अगर प्लस माइनस गुणा भाग है कोई भी एक चिन्ह आता है, जैसे यहां पर देखो ये परिमेय ये अपरिमेय भाग आता है या इस बीच में गुणा आता है या बीच में माइनस आता है प्लस आता है कुछ भी आता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपके अपरिमेय कहलाएगी। और अगर आपको उसको परिमेय बनाना है तो उस संख्या को हटाना पड़ेगा, अपरिमेय संख्याओं को हटाना पड़ेगा। अब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है ये भी आपको आना चाहिए। अपरिमेय के बारे में मैंने बताया हुआ है, एक तो पाई जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अंदर रहता है नंबर, एम का जो मान है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए और एक जीरो बढ़ता जीरो यहाँ कहीं बढ़ नहीं रहा है तो ज्यादातर तो आपको इन दोनों पर ध्यान रखना है, जिसमें वर्गमूल है जिसमें पाई है वो संख्या क्या कहलाएगी आपके अपरिमेय कहलाएगी। आपको हल करने की ट्राई करना है, हल हो जाए अगर वर्गमूल हट जाए तो क्या हो जाएगी परिमेय हो जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले यहां बात करते हैं, ये है अपरिमेय और ये है परिमेय। परिमेय और अपरिमेय घटाओगे, अगर आप परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा अपरिमेय मिलेगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है आपके अपरिमेय संख्या होगी। यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट गया और यहां पर केवल 3 बचा है और ये आपकी कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी। यहां पर देखो वर्गमूल कट गया तो जो संख्या बची है वो है आपके 2/7 और दोनों परिमेय है, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। अब यहां पर देखो ये वाली है आपके परिमेय और ये वाली है आपके अपरिमेय। अगर परिमेय और अपरिमेय में आपस में भाग देंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो संख्या हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी, इसका मतलब ये संख्या भी आपके अपरिमेय है। ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आता है एक नंबर का, एक शब्द दिया आएगा बताना है परिमेय या अपरिमेय। अब देखेंगे ये है आपके परिमेय और ये है आपके अपरिमेय, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह संख्या हमेशा आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। और ये सूत्र भी आता है क्वेश्चन में, ये भी आता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने पर संख्या क्या आएगी अपरिमेय ही आती है। गुणा करो तो भी अपरिमेय, जोड़ो घटाओ बस जब तक अंदर अपरिमेय रहेगा वो पूरी संख्या अपरिमेय रहेगी, अगर अपरिमेय संख्या हट जाती है तो ही वो परिमेय कहलाएगी। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या करना है जो भी हमारे पास व्यंजक दे रखे हैं इनको सरल करना है, हल करना है इनको। वैसे इनके बीच में कोई साइन नहीं है, यहां पर हम इनटू मान लेते हैं, गुणा करना है दोनों को तो करते हैं गुणा। देखो ये आपके उदाहरण में भी था वही चीज आपके यहां पर है, हमें क्या करना है इस 3 को इससे गुणा करना है, मतलब 2 + √2 और इस √3 को गुणा करना है हमें 2 + √2 से, मतलब इस 3 को भी इससे गुणा करना है और √3 को भी इससे गुणा करना करो गुणा।
अब गुणा करेंगे कितना होता है, देखो यहाँ पर तीन दुना छ, नंबर को नंबर से गुणा करेंगे और वर्गमूल को वर्गमूल से ही गुणा करेंगे। अगर वर्गमूल और नंबर है तो दोनों को बस पास पास लिखेंगे, नंबर आगे और वर्गमूल पीछे। तो यहाँ पर देखो दोनों नंबर है तो गुणा हो जाएगा। अब यहाँ वर्गमूल है और एक में नहीं है तो केवल दोनों को पास पास लिखना है, बीच में आएगा आपके प्लस तो प्लस आ जाएगा। इसको इससे गुणा करते हैं तो ये प्लस का प्लस, ये संख्या है ये वर्गमूल है, तो संख्या संख्या आगे रहेगी वर्गमूल पीछे रहेगा। और यहां पर ये दोनों ही वर्गमूल है, दोनों को गुणा करेंगे ये होता है आपके तीन दुनी छ। हमेशा वर्गमूल दो में ही वर्गमूल दो जुड़ता है, तो यहां पर वर्गमूल दो है और कहीं है ही नहीं, तीन वाला वर्गमूल तीन में ही जुड़ता है, यहां पर कहीं वर्गमूल तीन और नहीं है, वर्गमूल छ वर्गमूल छ में ही जुड़ता है, और संख्या केवल संख्या में ही जुड़ती है, इसीलिए सभी अलग अलग ऐसे ही रहेंगे, इसको आगे हम हल नहीं कर सकते। अब आते हैं इधर, इधर देखो यहां पर लगने वाला एक फॉर्मूला, कौन सा वाला, एक बार दोनों नंबर है प्लस में सेम, एक बार किसमें आपके माइनस में। वैसे इस क्वेश्चन को आप इसी तरह भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा इधर वाला मिलेगा, बीच वाला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आएगा वो कट जाएगा। और इससे अच्छा है कि अगर और कोई जल्दी तरीका है, इसमें ये नियम लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तरीका तभी काम आएगा जब दोनों संख्याएं सेम हो और बीच में एक प्लस हो और एक माइनस हो, तभी ये नियम काम करता है, ऐसे ही हर एक में नियम काम नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ए का मतलब है तीन और बी का मतलब है अंडर रूट तीन, तो ए का मतलब है आपके तीन और बी का मतलब है आपके अंडर रूट का तीन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा आपके माइनस, तो तीन का स्क्वायर होता है आपके नौ, स्क्वायर गया अंडर रूट गया तो ये कितना है आपके तीन, ये रहा माइनस, नौ में से तीन गया तो कितना आएगा भी आपके छह आएगा, और ये आ जाएगा इसका आंसर। सेम चीज यहां पर भी करनी है आपको, तो यहां पर देखो ये जो लिखा हुआ है यही सूत्र आपके यहां पर लगने वाला है, सेम यहां पर आपके लगने वाला है। इसमें देखो आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये जो नंबर है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा आपके ए और ये हो जाएगा आपका बी, और बीच में क्या आएगा भी आपके माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर गया तो अंडर रूट गया, स्क्वायर गया तो अंडर रूट गया, घटा दो कितना मिलेगा भाई आपको यहाँ पर थ्री मिलेगा, थ्री हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं इधर की साइड, इसको चाहो तो दो बार लिखो, एक बार और सेम दो बार, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसी को आप दो बार लिख कर इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे भी इजी तरीका है तो वो करेंगे हम, सूत्र लगाएंगे इसमें क्या लगेगा बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, लगाओ और हल करो। ए ए का मतलब है आपके अंडर रूट का पांच प्लस दो इंटू ए बी, ए स्क्वायर आ गया अब टू ए बी आएगा, ए है आपके वर्गमूल का पांच और बी है आपके वर्गमूल का दो प्लस बी का क्या आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर आ जाएगा। अब पांच का स्क्वायर करेंगे तो पांच ही आएगा, स्क्वायर गया वर्गमूल गया, और यहां पर दो का दो, वर्गमूल को वर्गमूल से गुणा करेंगे कितना होता है आपके दस होता है, स्क्वायर गया वर्गमूल गया कितना है आपके दो आया। देखो ये भी संख्या है ये भी संख्या है, लेकिन इसके साथ दस भी आ रहा है वर्गमूल में, तो ये अलग प्रकार का नंबर है और ये अलग प्रकार के नंबर है। तो यहां पर देखो पांच और दो सात, ये दोनों संख्या है तो जुड़ जाएगी, लेकिन यहां वर्गमूल है तो जुड़ेगा नहीं, इसको हमें थोड़ा अलग दिखाना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, सात और दो नौ अंडू दस लिख देते हैं, गलत करना भी ये गलत है हो जाएगा। संख्या के साथ संख्या जोड़नी है और इसके साथ वर्गमूल, देखो मैंने यहां भी नहीं जोड़ा, अलग अलग वर्गमूल है तो भी नहीं जोड़ा, ऐसा नहीं यहाँ पर छह और तीन नौ वर्गमूल दो कर दो, ये वर्गमूल दो है यहाँ वर्गमूल दो नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये दस वर्गमूल है यहाँ वर्गमूल दस नहीं है, तो ये अलग नंबर है ये अलग नंबर है, इनको केवल पास पास दिखाएंगे जैसे यहां दिखाया,
ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो पूरा बेकार है, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, लेकिन क्यों समझा देते हैं अभी क्या इसका आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है। देखो इसमें लिखा हुआ है, आपको याद होगा पाई एक वर्ग की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको पता ही होगा, देखो ध्यान दो, यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है, ये जो कह रहा है वो बताता हूं आपको। मान लो कि ये आपका परिधि है और ये केंद्र है और ये त्रिज्या है। हमें अगर मान लो परिधि ज्ञात करनी है, हमें अगर परिधि ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या होता है ज्ञात करने का, 2πr, ये सूत्र है ज्ञात करने का। या हम कह सकते हैं पाई इंटू व्यास भी कह सकते हैं, व्यास मतलब पूरा लाइन ऐसे, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। मतलब अगर आपके पास दो त्रिज्या है तो दो त्रिज्या त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, अभी व्यास होता है। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको हटा दिया, पाई का पाई हो गया और आर का डबल होता है आपके व्यास। अब ये गुणा में जाएगा इधर भाग में, तो पाई का मान हो जाएगा आपके परिधि बटा व्यास। पाई का मान क्या हो जाएगा आपके, परिधि बटा व्यास हो जाएगा। परिधि को उसने क्या बोला हुआ, ध्यान देना भाई, परिधि पाई का पाई ध्यान रखना भाई, पाई का पाई, परिधि बटा व्यास। परिधि, परिधि क्या दे रखी है आपके, परिधि को इसने बोला है कि सी मान लो, सी मतलब होता है सर्कमफेरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस, हिंदी में बोलते हैं परिधि। और व्यास को हमें क्या मानना है, डी मानना है, डी मतलब होता है डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो सी पाई का मतलब हो गया सी बटा डी हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है ये हो ना, जैसे यहां बोला गया सेम, जैसे मैंने यहां लिखा सेम, मैं यहां से भी निकाल के लाया, इधर से ही लाया आपको बताने के लिए कि ये ऐसे बना हुआ है। अब ये बोल रहा है कि जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन हमने देखा कि यहां पर जो पाई देगा ना वो तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई तो अपरिमेय है, तो हमें इसका निराकरण निकालना है कि पाई अपरिमेय क्यों है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यहां पर देखो इसको भी भिन्न में लिखते हैं, ये संख्या भी तो भिन्न में है, इसको हमने क्या बोला, अपरिमेय बोला। अब ये अंडर ऊपर होता है, ये एक नीचे होता तो भी क्या कहलाती है आपके, अपरिमेय कहलाती। ये अपरिमेय तभी कहलाई कि इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है ना आपके अपरिमेय है। तो अगर आपके पाई अपरिमेय है, सबको पता है कि पाई क्या है, अपरिमेय, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब यह अपरिमेय क्यों आ रहा है, इसका मतलब है सी या डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे हम सी या डी में से कोई एक, कोई एक या फिर दोनों अपरिमेय। ये बोल रहा है कि यहां तो देखो हमने पाई को भिन्न में लिख दिया, पाई को हमने पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया, तो ये संख्या तो आपकी परिमेय हो गई, जबकि सबको पता है कि ये क्या है, अपरिमेय। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि सी या डी में से कोई एक अपरिमेय। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल देके बताऊं, जैसे ये 2 लिखा हुआ है और ये अंडर रूट लिखा हुआ है, ऐसा भी आ सकता है। या फिर समझ लो कि ये अंडर रूट 3 है और ये 2 है, इन दोनों में से कोई एक, सी या डी में से कोई एक आपके अपरिमेय है, या फिर दोनों ही अपरिमेय, इधर आपके अंडर रूट का 3 है, इधर आपके पाई है, दोनों ही आपके अपरिमेय। या तो सी या डी में से कोई एक अपरिमेय है, या दोनों ही क्या है आपके अपरिमेय। इसी कारण पाई क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर निरूपण करना है। ऐसे कभी आज तक एग्जाम आया नहीं है, राजस्थान बोर्ड में तो नहीं आया है, अब सीबीएसई का पता नहीं, ऐसे नंबर आते नहीं है, फिर भी देखो अगर आया है कैसे याद करते हैं, देखो ध्यान दो। हमें पहले क्या करना है, सिंपल सा है, एक आपको लाइन खींचना है, यहां से कितना खींचना है, इतना ही, 9.3, 9.3 हमें ऐसी एक लाइन खींचना है। तो जैसे मान लो ये आपका 9.3 ये लिखा हुआ है, ये 9.3 हो गया, इसको ऐसे आप हटा सकते हो, चौथ ऐसे रख दो, बाद में भी काम आए। अब हमें क्या करना है, इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना भी है,
तो हमें क्या करना, एक सेंटेंस यहाँ पर एक पॉइंट हो गया आपका, फिर हमें क्या करना है इसको 10.3 करना है, कितना करना है 10.3, यहां तक क्या आता है 10.3। देखो इसका नाम है आपके ए बी, ए यहां पर है और बी यहां पर है, और ये है आपका 9.3। अब हमें क्या करना है, इसमें एक नया पॉइंट लेना है यहां पर, और ये पॉइंट है आपका सी, और ये आपका लेना है 1 सेंटीमीटर। सिंपल सा ध्यान रखना है ऐसे कि समझ लो कि यहां पर आपका 0 है और यहां पर आपके 1 है, ऐसा मान लो। और अगर आप यहां पर स्केल का यूज करते हो, जैसे मैं यहां पर स्केल लेता हूं, जैसे यहां से 0 लेते हैं शुरुआत से, जैसे अगर मैं यहां पर कलर लेता हूं ऐसे, देखो ध्यान देना, इस लाइन को आगे बढ़ाना है, वैसे आपको ऐसे बढ़ाना है लाइन को, ऐसे लाइन को आगे बढ़ाना। अब हमें क्या करना, फिक्स यहां पर देखो गैप रखना है, यहां पर इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, इधर आएगा 5, ऐसे आपको आगे आगे चलते रहना, मतलब 0 यहां शुरू होगा। मेन तो ये है, समझ लो कि ये आपका 0 है और इधर जो है ना ये आपका माइनस में 9.3 है, समझ लो पीछे जाना है, माइनस में आपका 9.3 है। अब हमें क्या करना है इस लाइन का, पहले तो इस लाइन के ऊपर क्या बनाना, सर्कल बनाना, क्या बनाना है आपको, सर्कल बनाना है। तो इस लाइन को पहले आपको हाफ करना पड़ेगा, अब लाइन को हाफ करेंगे तो थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा लाइन को, देखो आप उस लाइन को हाफ करना है, तो हमें क्या करना है इसको ऐसे करना है, अभी मेरे पास ऐसे हमें लेना है हाफ से ज्यादा ऐसे, और इधर लाना है आपको ऐसे, आपको आर्क काटना है और इधर भी काटना है ऐसे, सेम चीज आपको इधर करना है। कहां से करेंगे हम, एक से, कहां करना है आपको, एक से करना, इधर भी आर्क काटना आपको और इधर से भी काटना, एक से काटना है, ध्यान रखना भाई। अब इसको चौथा से मिटा सकते हो, जैसे अगर मुझे मान लो आप थोड़ा साफ करना है, मिटाना है तो मिटा सकते हो, इधर भी करना है तो कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसको वापस से नीचे लेके आओ, हमने तो हाफ कर दिया, पहले मिला लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम ये स्केल लेते हैं, लाइन लेते हैं यहाँ पर हम, और ये लेते हैं, ये लेते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, ऐसे हाफ कर देंगे, तो ये आया है इसमें मिडिल पॉइंट, ये क्या आया इसमें आपके मिडिल पॉइंट आया। एक तो ये परेशान कर देते हैं, अब हमें क्या करना है मिडिल पॉइंट पर, देखो ध्यान देना भाई, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, ये हाफ तो हमने कर ही दिया है, अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान देना भाई, हमने इस लाइन को हाफ तो कर दिया, तो यहां से हमें क्या करना, सर्कल लेना है यहां से और इधर 1 से लेना है, कलर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो ऐसे, ऐसे आपको हाफ कर लो, सर्कल हाफ सर्कल बनाना है आप। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो हमें क्या करना है, इसको लेना है यहां पर और हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल, कहां से बनाना, 0 से, कलर यहां पर आप चेंज कर सकते हो, ऐसे आपको एक आर्क लेना है, फिर हमें क्या करना है यहां पर लेके आना है इसको, और यहां से बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हो गया 60,
और गाते हैं यहाँ पर, जो बनाते हैं 90, ये बनाया हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहां से, ये बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, और जहां मिलेगा ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम क्या करेंगे, इधर मिला लेंगे सबको, अलग ही कलर लेते हैं यहां पर हम, जैसे ये लेते हैं, तो इधर ऐसे मिलाएंगे। अब हम यहां पर लिखने वाले कौन कितना, देखो ये पूरा 9.3 है, तो ये यहां से लगाकर यहां तक ये हो जाएगा आपके 4.15, ये हो जाएगा आपके 5.15, क्योंकि 4.15 प्लस 1 करेंगे तो आएगा आपके 5.15, और ये जो लाइन है इस लाइन का जो वैल्यू है वो होगा आपके अंडर रूट 9.3 होगा। अब हम क्या करना है, इसको लाना है नंबर लाइन पर, तो देखो ये हमारा जीरो है यहां पर, यहां पर जीरो दे रखा है, अब हमें क्या करना है यहां से लाना है इसको, थोड़ा सा आगे आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा थ्री से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पर, इसको बोलेंगे हम अंडर रूट का 9.3, क्योंकि 9 का रूट तो 3 होता है, पॉइंट में थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो 3 से जस्ट थोड़ा सा आगे आएगा 9.3। तो पहले हमें 9.3 लाइन ड्रॉ करना है, फिर जहां 9.3 खत्म होता है वहां से हमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेना है, फिर हमें क्या करना है, इधर ए है उधर सी है, ए और सी का करेंगे हाफ और बनाएंगे यहां पर हम एक सर्कल, उसके बाद हम क्या करेंगे इस एंगल पर जीरो पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, जहां पर कटेगा वो आपका पॉइंट हो जाएगा, मान लो डी पॉइंट, यहां पर डी पॉइंट हो जाएगा, और जो आपका ये बीडी पॉइंट है, ये जो बीडी लाइन है वो रूट 9.3 है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो वहां पर मिलेगा रूट 9.3 मिलेगा 3 से जस्ट आगे, ऐसे हम करेंगे तो आएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, सीबीएसई वालों के आ जाए तो अच्छी बात है, राजस्थान बोर्ड वालों के एग्जाम में कभी आया नहीं आज तक, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देर का आपके, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण आपको करना है, तो ये तो है अंश और ये है हर, इधर ये अंश है ये हर है, तो हर के अंदर हमारे पास संख्या दे रखी है अपरिमेय संख्या, और हमें क्या ज्ञात करना है, हर को अपरिमेय से परिमेय बनाना है, हमें हर का परिमेयकरण करना है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है, अगर सिंगल नंबर है अकेला नंबर, तो हम क्या करेंगे यहां पर अंडरवुड 7 को अंश और हर से गुणा करने पर, अंश व हर से हमें क्या करना है, गुणा करना है। अगर यहां 3 होता तो अंडरवुड 3 को अंश और हर से गुणा करते, 5 होता तो 5 से गुणा करना है, तो हमारे पास जो भी नंबर है ये लिखा हुआ है 1/7, इसमें केवल 7 है या केवल 2 है या केवल 3 है, तो वहां पर ये नियम काम करेगा, जो नंबर यहां पर है इसी नंबर को हम यहां भी गुणा करेंगे और यहां पर भी, इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है वर्गमूल का 7, और यहां पर अगर हम गुणा करते हैं तो ये आता है आपके 49, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो केवल 7 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ये वर्गमूल 7 का 7 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल हो वो कितना होता है आपके 7 होता है, और ये आ जाएगा इसका उत्तर। अब देखो पहले भाग के अंदर वर्गमूल था, अब भाग में वर्गमूल आपके नहीं है, तो सिंपल सा काम करना है आपको। अब आते हैं हम यहां पर, हमारे पास यहां पर माइनस में नंबर दे रखा है, देखो यहां पर कुछ साइन था नहीं तो हमने भी यहां पर कुछ लिया नहीं, अब यहां पर चिन्ह आ गया आपके माइनस का, अगर माइनस का आया तो हमें प्लस का लेना है, प्लस का आया है तो माइनस का लेना है, तो यहां पर माइनस हम क्या करेंगे, यहां पर 7 प्लस अंडर रूट 6, प्लस है तो माइनस लो, माइनस है तो प्लस लो, ये नंबर लेकर आपको क्या करना है, इसको हमें अंश और हर से गुणा करना है, अंश से
और हर से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो करो गुणा, हम देखेंगे यहां पर एक बटा वर्गमूल का 7 माइनस अंडररूट का 6 करते हैं। यहां पर देखो ये होता है आपके अंडररूट का 7 माइनस अंडररूट का 6, माइनस है तो प्लस रखना है, ध्यान रखना भाई, और प्लस है तो माइनस रखना। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके वर्गमूल का 7 प्लस वर्गमूल का 6। और यहां पर देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहां पर तो आपके कुछ करने वाले हैं, सेम आपको लिखना है। स्क्वायर गया, अंडर रूट गया, तो ये आएगा 7, ये आएगा 6, और ये आ जाएगा आपके अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटा 1। तो अब पहले भाग में वर्गमूल था, अब भाग में केवल एक है, इसका मतलब हो चुका है हर का परिमेयकरण। आप भाग में जब भी एक आए ना तो लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण, और ये हो गया हर का परिमेयकरण। प्लस हो तो माइनस से गुणा करो, माइनस है तो प्लस से गुणा करो। तो देखो ये तो हमारा क्वेश्चन है, एक बटा अंडरवुड 5 प्लस अंडरवुड का 2 इंटू अंडरवुड का 5 माइनस अंडरवुड का 2 बटा अंडरवुड का 5 माइनस अंडरवुड का 2, गुणा करना है ऐसा में, करो गुणा। इसको गुणा करेंगे एक से तो यही नंबर रहने वाला है, यहां पर आपको कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इधर आपके एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो हमें सेम लिखना है अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2, भाग में क्या होगा स्क्वायर गया तो अंडर रूट गया, इधर भी स्क्वायर गया तो वर्गमूल गया। सॉल्व करो, हल करो, आगे देखो यहां तो है अंडर रूट का 5, यहां है अंडर रूट का 2, और यहां पर जैसे ही घटाते हैं तो यहां आता है आपके 3। पहले यहां पर वर्गमूल था, अब यहां पर वर्गमूल नहीं है, बिना वर्गमूल की संख्या है। ये हो गया आपका हर का परिमेयकरण। अब सेम चीज आपको यहां पर भी करना है। अब यहां पर देखो ये देर का आपके माइनस का नंबर, तो हमें यहां पर क्या लेना है प्लस का नंबर। ये नंबर लेकर तो हमें क्या करना है, इसको हमें अंश से और हर से गुणा करना है, अंश व हर से क्या करना है गुणा। करो गुणा। तो ये है भाई आपका एक नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है। अब यहां पर ये माइनस है तो हमें क्या करना है, प्लस वाला नंबर यहां अंश में भी लेंगे और हर में भी लेंगे। तो यहां पर हम लेंगे अंडररूट का 7 प्लस 2, अंडररूट का 7 प्लस का 2। अगर मैं एक को गुणा करूं यहां पर तो ये आने वाला है अंडररूट का 7 प्लस 2 बटा, अब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हल करो, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, ऊपर तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, सेम ऐसे ही रहेगा आपके। और यहां पर देखो स्क्वायर गया तो वर्गमूल गया, ये आएगा 7, और यहां पर 2 का स्क्वायर होता है आपके 4। जिस पर वर्गमूल नहीं है तो उसका स्क्वायर होगा, इस पर वर्गमूल है वो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। अब यहां पर है आपके अंडररूट का 7 प्लस 2, और 7 में से 4 गया तो ये आया है आपके 3, और ये आ जाएगा हर का परिमेयकरण।